और अब खबरों में आगे बात करते हैं अमेठी की, जहां पर दबंग शीटर ने किया है जानलेवा हमला और पीड़ित के घर पर कहर बनकर टूटा है दबंग। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं और इलाज के दौरान 1 की मौत जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही। हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो पीड़ित के घर पर कहर बनकर टूटा है दबंग, जहां पर इस दबंग ने जमकर यहां पर मारपीट की है और हमले में 5 लोग घायल हुए हैं जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत अभी भी फिलहाल नाजुक बनी हुई है। तो हमले का वीडियो भी सामने आया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि इस दौरान अमेठी से ही खबर और दबंग हिस्ट्री शीटर ने किया है जानलेवा हमला। तो पीड़ित के घर पर कहर बनकर टूटा है ये दबंग और यहां पर घायल हुए हैं 5 लोग जिनमें से 1 की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है जबकि 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। तो पीड़ित के घर पर दबंग कहर बनकर यहां पर पहुंचा और ऐसे में हमले में 5 लोग घायल हुए हैं जबकि इस दौरान इलाज के दौरान 1 की मौत हो चुकी है और 2 की हालत अभी भी नाजुक बनी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हंसराज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हंसराज, ये जो अमेठी का मामला है, यहां पर दबंग कहर बनकर यहां पर पहुंचा और ऐसे में जब हमला किया 5 लोग तो घायल हुए हैं, 1 की मौत हो चुकी है और गंभीर रूप से घायल भी हैं, क्या कुछ जानकारी और इसको लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बेरीपुर गांव का है, जहां पर जो है पुरानी रंजिश में जो है दबंगों ने घर पर हमला किया और एक मुस्त होकर के कई लोग इकट्ठा होकर के धारदार हथियार के साथ लाठी डंडा के साथ दूसरे पक्ष के ऊपर जो है हमला कर दिया जिसमें कि 5 लोग घायल हुए थे जिसमें कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जिन्हें कि जो है जिला के हमने रेफर किया गया था जहां पर पड़ोसी जनपद के रायबरेली जनपद में जो है जिला अस्पताल में 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे और वहां पर वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था जिसमें कि 1 की मौत हो गई और मौत के बाद वही परिजनों में जो है कोहराम मच गया है और मातम छाया हुआ है। और अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है लगभग आधे दर्जन के ऊपर लोगों को ऊपर मुकदमा दर्ज करके लगभग आधे दर्जन लोगों को जो है हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये घटना घटी और पीड़ित की बेटी का आरोप, पीड़ित का आरोप है कि बेटी की हत्या में जो आरोपी लोग जिन दबंगों ने ये मारपीट किया है और घटना को अंजाम दिया है वो बेटी की जो है हत्या में शामिल थे और उनके ऊपर बेटी की हत्या का आरोप है जिसमें कि मुकदमे की पैरवी का मुकदमे की तारीख थी कोर्ट में और मुकदमे की पैरवी में जाने के लिए जो है उस परिवार पीड़ित परिवार के लोग तैयार थे। ऐसे समय में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का फेलियर एकदम साफ तौर पे देखा जा सकता है। अगर ये पुलिस पहले से सतर्क होती और ऐसे आरोपियों के ऊपर जो है कार्रवाई किया होता तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जा सकता। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।